तो हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पर एडमिक्स में। आशा करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 बेनिफिट्स ऑफ द रॉटवालर के बारे में, यानी कुछ 10 अच्छी बातें रॉटवालर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने उनकी प्रॉब्लम के बारे में नई वीडियो देखी तो ऊपर देख सकते हैं, आई बटन में आपको वीडियो दे दूंगा, या फिर ये वीडियो खत्म होने के बाद दोस्तों आपको एंड स्क्रीन में आपको वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि 10 बातें जो अच्छी रॉटवालर के बारे में अगर आप लेना चाहते हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी है, तो दोस्तों ये बातें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। और दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रॉटवालर काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी डॉग ब्रीड होते हैं। और दोस्तों, सबसे पहला हमारा पहला बेनिफिट है दोस्तों यही कि दोस्तों ये बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से दोस्तों इनको कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत भी नहीं आती, क्योंकि काफ़ी मस्कुलर होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं बाकी डॉग की तुलना में। अगर दोस्तों बाकी डॉग की बात करें तो दोस्तों कभी कभार वो कमज़ोर हो जाते हैं, पर दोस्तों रॉटवालर के केस में ऐसा नहीं होता। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और दोस्तों मस्कुलर होते हैं, उनकी बॉडी भी काफ़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होती है, उनके टीथ होते हैं, उनके मसल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते हैं, जिससे दोस्तों आपका डॉग काफ़ी हेल्दी फिट लगता है और दोस्तों दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, जो सेकंड बेनिफिट है हमारा दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं या फिर आपका फार्म है या फिर आपका होटल है और दोस्तों एक आप गार्ड डॉग रखना चाहते हैं, दोस्तों रॉटवालर काफ़ी अच्छा गार्ड डॉग उनके लिए माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका घर है गांव में या फिर आपके खेत वगैरह, तो दोस्तों उसकी आपको हिफाजत करनी है तो दोस्तों आप रॉटवालर रख सकते हो। और दोस्तों साथ साथ में अगर आपके कुछ होटल है बड़ी या फिर फार्म हाउस है, तो दोस्तों ऐसे में भी दोस्तों आप रॉटवालर रख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्योंकि रॉटवालर फार्म हाउस और उनको खुली जगह होती है तो काफ़ी अच्छे से रह भी लेते और दोस्तों अच्छे गार्ड डॉग भी है। तो इसके साथ साथ दोस्तों आपकी जो है घर की, फार्म की या फिर आपकी खेत की अच्छे से रखवाली ये करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा तीसरा बेनिफिट है दोस्तों, सब लोग बोलते हैं कि दोस्तों डेंजरस डॉग ब्रीड होते हैं रॉटवालर, काफ़ी खूंखार होते हैं, बट दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बचपन से इन्हें अच्छे रखते हो, अच्छे सोशलाइज करते हो, आपके फैमिली के साथ अच्छे से रखते हो, तो दोस्तों ये आपके फैमिली के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव डॉग ब्रीड होते हैं और दोस्तों फ्रेंडली भी डॉग माना जाता है। क्योंकि अगर आप बचपन से इन्हें अच्छे से रखते हो, सब कुछ दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप इन्हें जैसे रखते हो दोस्तों, ये वैसे दोस्तों आगे जाके बनते हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से फ्रेंडली और गार्ड डॉग बनाते हो दोस्तों, ये अच्छे से फ्रेंडली और गार्ड डॉग भी बनेंगे। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों ये बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि आप जैसा चाहे वैसा आप रॉटवालर को बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे डॉग ब्रीड होते हैं, जल्दी से दोस्तों आपकी बात भी मानते हैं। तो दोस्तों, जो चौथा बेनिफिट हमारा है दोस्तों, इंडियन वेदर के लिए सूटेबल डॉग माना जाता है रॉटवालर को, क्योंकि वो सारे वेदर में अच्छे से रह सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया में रहते हो और दोस्तों आपके यहाँ पे पता है आपको जैसे कि ठंडी हो जाती है, कभी कभी गर्मी होती है, दोस्तों इस वेदर में कभी कभी कोई कोई डॉग बीमार पड़ते हैं, बट दोस्तों रॉटवालर के केस में ऐसा नहीं है, वो सारे वेदर में अच्छे से रह सकता है। तो दोस्तों, अगर आप एक अच्छा सा डॉग चाहते हैं जो वेदर चेंज होना हो जाने के बाद भी दोस्तों अच्छे से रह सके, तो दोस्तों रॉटवालर आपके लिए बेस्ट डॉग है। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा वो है कि सब ऐसा सोचते हैं कि दोस्तों रॉटवालर जो है सेकंड टाइम डॉग ओनर के लिए जो है अच्छा डॉग ब्रीड है। दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो तो दोस्तों आपके लिए भी अच्छा है और सेकंड टाइम डॉग ओनर है उनके लिए भी अच्छा है। बस दोस्तों आपको इन्हें अच्छे से केयर करने की ज़रूरत है। अगर आप इन्हें अच्छे से रख सकते हो या इनकी अच्छी देखभाल कर सकते हो, दोस्तों आपके लिए बेस्ट डॉग बना रहेगा। और दोस्तों, जो नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों, अगर आप इन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग देते हो तो दोस्तों अच्छे से ट्रेन भी जल्दी से हो जाते हो, दोस्तों आपके कमांड को जल्दी से ये फॉलो भी करते हैं। और दोस्तों इसके हिसाब से दोस्तों आप इन्हें अच्छे ट्रेनिंग भी दे सकते हो, जैसे कि जैसे आपको कुछ काम करवाना है या फिर घर को गार्ड करवाना है, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करवाना है, तो दोस्तों ऐसे आप इन्हें अच्छे से ट्रेनिंग करते हो तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छे से डॉग बने रहेंगे। क्योंकि ट्रेनिंग भी जल्दी से दोस्तों सीख जाते हो, नई नई ट्रेनिंग अगर आप इन्हें सिखाते हो तो दोस्तों वो भी जल्दी से आप इन्हें सिखा सकते हो और ये सीख भी जल्दी से लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप बचपन से इन्हें ट्रेन करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बचपन से ये जल्दी से ट्रेन जल्दी से हो जाते हैं। और फ्रेंड, जो नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों वो है कि ये बच्चों के साथ भी आसानी से रह सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बेबीज है, बच्चे हैं, तो दोस्तों उनके साथ भी आसानी से रह सकते हैं, बट आप बचपन से इन्हें डॉग्स के साथ और बेबीज़ के साथ ज़रूर से सोशलाइज कीजिएगा। अगर आपके घर में बेबीज़ वगैरह हो तो उनके साथ इन्हें खेलने दीजिएगा, और दोस्तों खेलते समय आप वहाँ पे होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार डॉग एग्रेसिव होने के चांस होते हैं। तो दोस्तों आप अगर बचपन से इन्हें सोशलाइज करते हो और बेबीज़ के साथ रखते हो तो आगे जाके ये काफ़ी अच्छे से बेबीज़ के साथ भी रहेंगे, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। अगर आप बचपन से इन्हें बेबीज़ के साथ रखते हो, उनके साथ खेलने देते हो, तो दोस्तों आगे जाके क्या होता है कि कोई बेबीज़ भी आपके घर में आता है, दोस्तों उनके साथ भी आसानी से खेल सकेंगे।
तो फ्रेंड इनके मस्कुलर और स्ट्रांग होने के कारण दोस्तों ये जल्दी से बीमार भी नहीं पड़ते। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट बेनिफिट इसके ऊपर ही है, क्योंकि बहुत सारे डॉग जो होते हैं कभी कभार बीमार पड़ जाते हैं वेदर चेंज होने के कारण, कभी कभी खाने में कुछ आ जाने के कारण। तो दोस्तों रॉटवालर के केस में ऐसा नहीं होता, जल्दी से बीमार भी नहीं पड़ते और काफ़ी स्ट्रांग डॉग ब्रीड होते हैं दोस्तों। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे डॉग जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं और बार बार उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, उसमें आपके पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं और डॉग की हेल्थ भी दोस्तों ख़राब हो जाती है। बट दोस्तों रॉटवालर के केस में ऐसा नहीं दोस्तों, रॉटवालर काफ़ी हेल्दी ब्रीड होते हैं और जल्दी से वो बीमार भी नहीं होते। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा वो है कि दोस्तों अगर आप दो डॉग घर पे रखना चाहते हैं या फिर फार्म हाउस या फिर आपके खेत में रखना चाहते हैं, तो दोस्तों रॉटवालर काफ़ी अच्छा डॉग है और दोस्तों दो डॉग होने के कारण दोस्तों वो दोनों अच्छे से रह भी सकेंगे और साथ में खेल भी सकेंगे दोस्तों, उनको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत भी नहीं आती। तो दोस्तों मैं फाइनली जो दसवां बेनिफिट है दोस्तों, अगर आप एक गार्ड डॉग अच्छे से रखना चाहते हैं, फैमिली के लिए अच्छा प्रोटेक्टिव डॉग रखना चाहते हैं और दोस्तों एक अच्छा फ्रेंडली डॉग रखना चाहते हैं जो आपके साथ अच्छे से रहे भी और आपके घर की दोस्तों अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर सके, तो दोस्तों रॉटवालर काफ़ी अच्छा डॉग ब्रीड है और दोस्तों आपके साथ भी अच्छे से रह सकता है और दोस्तों इनको मेंटेन रखना भी काफ़ी आसान है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको ये 10 बेनिफिट अच्छे लगे होंगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों हाँ मुझे आप इंस्टा पर ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।